सो गाइस कैसे हो आप सब, आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो आप बोल रहे कि भाई ये टी शर्ट आपने फिर चेंज की, भाई आज चेंज कर, लेकिन यहाँ कपड़े गंदे होते नहीं है, अभी हम सोए ही थे। तो ये भाई आए मिलने के लिए अपने, एक भाई हैं यूपी से, भाई चलाते मंडी गोविंद करके, और बढ़िया भाई ने उठाया मेरे को, बस वापस से गाड़ियाँ निकालनी है, बाहर से काल निकाली थी, डेली की रूटीन हो गई है क्योंकि काम चलता है, रात को अंदर गेट के अंदर सेफ रहती हैं। तो भाई से करते हैं बातें, उसके बाद करेंगे ब्रश वगैरह, आराम से उठते हैं फिर। कर दी भाई ये 10 चक्का स्टार्ट, अब इसको निकालते हैं, बाहर लगाएंगे या साइड पे। अच्छा वो तो टेडी ला लेने पीछे, हाँ ये खड़ी कर देंगे। निकालते हैं 14 चक्का का, पता नहीं इस पे कौन सी चाबी लगेगी, क्योंकि चाबियां पूरी बैग में सब गाड़ियों की पड़ी हैं। ओ यार इसकी लग गई पहली चाबी, मेरी सही निकली। इसको करते हैं हम स्टार्ट, लगा दी दोनों गाड़ियां बाहर, अब मैं भी चलता हूँ भाई के साथ चाय वगैरह पी के आते हैं 14 चक्का में भी। पर यहाँ पे 1020 से 295 लिखा है, पता नहीं अब एक टायर थोड़ा छोटा है या क्या सिस्टम है। चाय वगैरह पी के हम आ गए, एक भाई थे दिल्ली वाली साइड से, वो मिलने के लिए उन्होंने फ़ोन किया, अभी उसकी बाज़ार चले गए या मैं आ गया वर्कशॉप पे, अभी मिस्त्री जी आए नहीं है यार, सुबह चाचा जी ने पानी लगा दिया, धूल वगैरह होती है ना सारी, आज इसी का काम होगा, वापस इसी का काम देखते हैं। ये आ जाए ना भाई, ये घर गए हुए आए, फिर गाड़ियाँ निकले यहाँ से, फिर अपनी गाड़ी आ गया, अपनी गाड़ी का थोड़ा सा जो काम स्टार्ट होगा ना फिर आगे दिल लगा रहेगा। अब जानी 2.0 कब तेरा काम शुरू होगा यार, आज सबको मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ये चादर बाहरी है ना, और सबसे मैं है ना धूप पे गर्म हो गई है, देख के यार आप बाहर आ जाओ, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ाएंगे ना ये यार, बड़ी भारी है ना, चार बंदे उठा रहे हैं, हैवी है चादर यार, आज इस पे चादर वगैरह सारे लग जाएंगे आराम से। ये आज भी नहीं आएंगे, आएंगे ये नहीं, कब आएंगे पता नहीं, वो कल है, तब तक आपकी चादरें लग जाएंगी सारी। मैं ना यार गाड़ी धूप पे लगी है ना, सर काम धूप पे हो रहा है, पंखा भी लगाया बट भाई उतना कहाँ ही हो पा रहा है यार, धूप पे काम करना पड़ रहा है, चादरें भी गर्म है, आज चादर लग जाएंगी गाड़ी, ये भी पूरी बंद हो जाएगी, गर्मी बढ़ रही है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है काम करना। और मैं आपको ऐसे पहले ही बोला यार, कई लोग बोलते हैं आप एक ही शर्ट होना, तो भाई गंदी नहीं हुई यार, कल पहनी थी, आज ठहर के नहाऊंगा, पहले अभी नहाने वाला था सुबह, पर अब लेट ही हो गया, अब दिन को अपना काम काज करके नहा के ये कपड़े धो दूंगा, फिर दूसरे पहन लूंगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बस शूट करो, बाकी काम तो मिस्त्री जी कर रहे हैं, बस हमें देखना है रहना है बस। अभी एक भाई अपने आए, वो अपने फरीदाबाद वाली साइड, फरीदाबाद नहीं गाजियाबाद वाली साइड से, कौन से बात करें, दूर से आएगा, अभी चलते हैं उनको लेके चाय वगैरह पीते हैं, यहाँ पे है ना कि पास में दुकान नहीं है, थोड़ा हमें मार्केट वाली साइड जाना पड़ता है। मैं पूछ रहा था ना, काफ़ी कमेंट्स दिया यार, अपना कंपनी वाले कह रहे गारंटी से बाहर, हो सकता है जो आगे वाली गाड़ी आएंगी 2025 में उसमें क्राउल जो चेसी है, जैसी ये वाली चेसी है, तो इसमें भी एसी वगैरह आ जाएगा, पर तब की तब बशाए तब कंपनी खुद से परमिशन दे दे, पर आगे अगर अभी दे तो अभी सही रहता ना, जो डैशबोर्ड वगैरह बन रहा है एसी की अच्छी से फिटिंग आती, अब कंपनी नहीं मान रही यार, अब क्या ही रिस्क लेना, क्योंकि यार मैन है ना गाड़ी का मैन, एक गियर ऐसा इंजन जो गाड़ी की गारंटी में जरूरी चाहिए, तो एसी अगर नहीं लगेगा तो फिर एसी कैंसिल करेंगे, अभी बात चल रही है, देखें यार क्या ही बनता है, अब वहाँ तक पहुँचे ना एक बार यार, काम तो शुरू हो गया, सुबह मैंने निकाली गाड़ी बाहर, अभी ये गाड़ी आपको थोड़ी फीकी फीकी दिख रही होगी, उसका रीज़न ये है इस पर भी टेप वगैरह कुछ नहीं हुई, अभी टेप हो गया तो ना गाड़ी कितनी प्यारी लगेगी। 6 चक्का के फट्टे वगैरह भी आ गए, और हमारे एस के भाई भी आ गए 2 दिन छुट्टी के बाद, और दर्शन कराए भाई, गए थे अमृतसर गुरुद्वारा साहब दर्शन करने के लिए, वहाँ दर्शन करके आए, अब इसका कैबिन होगा कंप्लीट, भाई ना कैबिन को पूरा डिज़ाइन करते हैं, मतलब गाड़ी की लुक कैसी निकलेगी वो सारा एस के भाई देखते हैं, हर बंदे का अपना काम रहने वाला है, वो अंदर से करते हैं इंटीरियर, ये बाहर से लुक पूरी गाड़ी की, इस पे एंगल है, ये वो चाचा वाली गाड़ी है, इसका सारा सामान आ गया, अभी थोड़ा 1-2 दिन में हो जाएगी तैयार। ये 1 बज गया, अभी सब खाना वगैरह खाने लगे, और अभी जाना बत्ते लेने के लिए, पाजी कैसे चलते हैं जो बत्ते, मतलब जिस पे पूरी गाड़ी का लोड उठाते हैं ये वाले, हमें भी लेने जाना आज, आते हैं पाजी से चलते हैं, आज ले आए घर से लस्सी यार, गर्मी में लस्सी पीने का अलग ही मज़ा है यार, बाजार वाली और इसमें फ़र्क है, घर की चीज़ घर की है, लस्सी पी लो।
आगे भाई सुरेंद्र भाई भी और ये भाई आए थे भाई मिलने स्पेशल लुधियाना से ट्रेन पे। तो अभी हम आज थोड़ा हमारा पहला काम होने वाला है, हमारी गाड़ी का पहला काम, पत्ते लेने जा रहे हैं। चलिए तो भाई को आगे तक छोड़ देंगे। चलो फिर पहली चीज़ लेने जा रहे हैं। अब निकाल दिया अपने पत्ते हमने, क्योंकि अब ये पूरे पूरे रहते हैं, इसको जो उसकी शेप है अलग से काटने होंगे। तो यहाँ पे हम पसंद करके निकाल रहे हैं, मतलब देख के, कोई जिसमें लकड़ वगैरह ख़राब ना हो। ऐसे तो अपने निकाल दिए, ये बाबा जी यहाँ पे करते हैं काम, इतनी एज में भी सारा काम यही देखते हैं। मैं इतनी हम इस टाइम पे इतना काम नहीं कर सकते भाई। तो भैया भी करते हैं काम, बस सुरेंद्र भाई भी कर रहे हैं मेहनत, पसीना आ गया पलटते पलटते, क्योंकि बीच में देख देख के निकाल रहे ना। ये देखो भाई पूरी ये वाली लकड़ रहती है, इसके पत्ते वगैरह बनते हैं जो गाड़ी के नीचे फर्श पत्ते। अब ये ना इस पर पीस डालते नहीं है, तो ये पूरा उतनी लकड़ हमें लंबी लानी पड़ती है इनको, और उसको उठाने के लिए भाई क्रेन चाहिए, लाने के लिए बड़ा ट्रक चाहिए। तो महंगी तो बनेगी गाड़ी, देखो कितना। अब जो सामान यहाँ से महंगा हो गया, जब महंगा मिलेगा बॉडी वाला, तो भाई सामान तो आगे गाड़ी महंगी बनेगी फिर। अभी हम नाप वगैरह देख के आए थे बत्तों को, और बत्ते कटाई में होके आगे कोई चीज़ मेरी भी आ गई। मैंने बोला मतलब कोई चीज़ तो मेरी भी आ गई, ये आगे बत्ते। अब सेम ही होगा, फिट होंगे अभी एक दो दिन तक ये बत्ते, अभी उतारेंगे। और इनकी ये लरें आ गई ऊपर वाली लकड़ियाँ अपने बत्ते, और क्या आया इसमें, उस गाड़ी के ऊपर वाले बत्ते आए जो ऊपर वाले बॉडी में। देखो इस पर कितने लगे हैं, उतर गया अपना भाई बत्ते, 16 चक्के के ऊपर वाले बत्ते, FTC में चाचा की गाड़ी, उसके ऊपर वाले बत्ते और अपने नीचे वाले, अपने ऊपर वाले भी लेट आएंगे। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। हो गया, कपड़े वगैरह डाल दिए सूखने के लिए, अब भूख लगी, दिन को ही खाना मंगवाया नहीं था, तो आज चुपके चलते हैं खाने के लिए। मैं और अनमोल भाई आए थे भाई, यहाँ गाड़ियों यहाँ पे स्क्रैप गाड़ियाँ खड़ी, इनकी सीटें वगैरह देखने, और हमें ऑडी मिली। पहली बात तो मैं तो अनमोल भाई ये सोच के टेंशन में, यार ऑडी भी स्क्रैप है और इसका छत अच्छा है सनरूफ वाली, यार नई गाड़ी इसको क्या हो गया यार, स्क्रैप है। अब इसकी सीट तो इलेक्ट्रिक हमें पसंद आई, पर इसका रेट बहुत ज़्यादा, अभी हमें काफ़ी दुकानें देखने। चलो ये हमने फोटो वगैरह ले लिया इसका ना, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, कौन सी गाड़ी की सीट लेंगे यार, कोई समझ नहीं आ रहा यार। जो हमें पसंद आती है उसकी गाड़ी में ड्राइवर साइड वाली सीट ही नहीं है, और यहाँ पे टाटा सफारी भी काफ़ी खड़ी है। अगर मेरे को कुछ सामान चाहिए होगा, क्या किसकी पसंद आई, मेरे को होंडा सिटी नहीं दिखी यार, मेरे को गाड़ी कभी चलाई नहीं मैंने, कहाँ होंडा सिटी, अच्छा होंडा सिटी है यार, सच में मेरे को पता नहीं। अब एक स्कोडा की सीट देखने आए हम, सीट तो बढ़िया यार, पर 6000 बोला, लास्ट 5000 रुपये आया यार इस सीट के लिए, पर है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वाली है पूरी, इस पर बैटरी से कनेक्शन देना पड़ेगा, सारे स्विच हैं इस पर। देख के हम आ गए, रेट तो काफ़ी ज़्यादा है, सोचेंगे सुबह तक कि कौन सी लेनी है नहीं लेनी है। सीट का रेट बोल रहे भाई, इसलिए हमने थोड़ी बोले सोच के लेंगे, क्योंकि 5000 में हमारा नंबर लग जाएगा यार, 5000 में हमारा चॉइस नंबर लग जाएगा गाड़ी में, क्योंकि पता क्या है अभी नई गाड़ी बन रही है ना, तो इसलिए हम फालतू के खर्चे कम ही करेंगे। सीट हम सीट वैसी चीज़ है ना, बाद में भी लगा सकते हैं, मैंने अभी गाड़ी ऑन रोड चलनी चाहिए, तो फायदा क्या, एक तो हम किसी से पैसे ले रहे हो कि हमें गाड़ी देखो, हम शौक पूरे कर रहे हैं बाबू वाले, तो वो भी नहीं चलता यार, जब अपना होगा वहाँ तक। और सेकंड क्वेश्चन आया था कि मेरे को आप भारत बेंज क्यों नहीं ली भाई, उसका एक तो है मतलब हाँ मेरा आज भी सपना है यार कि मेरे को भारत बेंज लेनी है, एक तो उस पर भाई डिस्काउंट वगैरह कम है, गाड़ी महंगी है, अभी मेरा उतना बजट नहीं था, गाड़ी महंगी थी, और उसके बाद उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं, उसका जो भी पार्ट ख़राब होता है वो नया ही उस पर पार्ट डाला जाता है, रिप्लेसमेंट नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें सोच समझ के तो मैंने फिर से टाटा में हाथ डाला, क्योंकि मेरी पुरानी गाड़ी में अभी फाइनेंस है, तो इसका भी मैंने जैसा भी किया, जब इसके बाद अब जो दोनों गाड़ियाँ फ्री हो जाएंगी आप सबके प्यार से भाई, फिर हम लाएंगे भारत बेंज। ऐसा नहीं कि भारत बेंज का सपना खत्म हो गया, सपना है, पर सपना पूरा ये नहीं होता कि सपना देखोगे एक मिनट में पूरा होगा, मतलब सपना पूरा करने के लिए ये भी है, इसके बाद नेक्स्ट सपना पूरा करेंगे भारत बेंज का। और ये गाड़ी बढ़िया है भाई, और कहीं जी बंदे कह रहे हैं अपने टाटा के लिए तो आपको जो टाटा का कैमरा था वो लेना चाहिए था, पर वो हमें पसंद नहीं है, मतलब अब भाई कंटेंडर बनवा रहे भाई, तो वो कैबिन आराम से ले सकते थे, पर हमें ये लकड़ी का बना हुआ कैबिन ही पसंद आता है, पता नहीं हमने हमारी सेफ्टी है इसकी, और ना अंदर अपना सामान वगैरह रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह रहती है इसमें, तो हमें यही पसंद है यार, मतलब दूसरे में कोई जगह ही नहीं रहती है, आपके बर्तन रखने की जगह नहीं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और हमें आपको पता चलना कहाँ रहता है, हमारा घर है यार ये, हम इंसान तो घर वैसा ही बनाएगा यहाँ पे वो कम्फर्टेबल हो। चलो हाँ बाहर से हम ऐसा कर देंगे कि दिखने में अच्छा चाहिए, पर है ना अंदर से हमें रहना ना,
जो आएगा कुछ टाइम मिलने आएगा, कुछ टाइम के लिए बैठेगा, बाकी घर के अंदर हमें रहना, तो हमें अपना घर वैसा ही बनाना जिससे वो हमें कंफर्टेबल रहे। अब इस पर पाँच छः साल का हम फाइनेंस करवा के चलते हैं, तो 5-6 साल मतलब हमारा घर है, छोड़ ही नहीं सकते। और अनमोल भाई ब्लॉग कम डाल रहे हैं, अनमोल भाई अनमोल ट्रैकिंग ब्लॉग करके मेरे को यहीं मिले, मतलब शायद भाई तो मेरे को पहले जानते, पर मैं भाई को जानता नहीं था। अब मिलेंगे भाई से हम पुणे जाके, भाई पुणे रहते हैं महाराष्ट्र, और देख लो यार पुणे से मतलब गाड़ियों से जिसको प्यार रहता है ना, वो पुणे से भाई कैसे लेके तेल खर्च करके यहाँ पे आए, और यहाँ पे गाड़ी बन रही है। अभी मान के चलो 15 दिन तो यहीं हमारे साथ, उसके बाद फिर चलेंगे, फिर रोड में मिलते रहेंगे, क्योंकि पुणे तो हम भी जाएंगे, नासिक सांगली, सांगली के घर के पास में ही है ना, आगे पड़ता है पुणे से, हाँ सांगली जाएंगे अंगूर लेने। शाम के अभी बज गए 8 और हम मार्केट आए थे, खाना होटल पे खाएंगे फिर चले जाएंगे। भाई बाइक लेके आया था, मैंने बोला चाचा जी को मैं गेट खुला रखना, मैं आ जाऊंगा यहाँ से, इस तरह राजपुरा, इस तरह मंडी गोविंदगढ़, और हम सरहंद में